कश्मीरी पंडितों को वादी से बेघर होने के सानहे को आज 32 बरस पूरे हुए हैं, लेकिन इन 32 सालों में कश्मीरी पंडित कभी भी वह दर्दनाक वक्त और खूनी माहौल नहीं भूल पाए। इन 32 सालों में कई हुकूमतें आई गईं, कई वजीर आजम आए और कई वादे किए, लेकिन आज तक कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को कश्मीर वापसी का वादा पूरा नहीं हो सका। सन 1990 में फारूक अब्दुल्ला के मुस्तफी होने के बाद जम्मू व कश्मीर में सदर राज का आगाज हुआ। इस दौरान जम्मू व कश्मीर में सियासी बदअमनी और हिंदू मखालिफ तहरीक भी शुरू हुई, जिसके सबब कश्मीरी पंडितों को वादी से हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ा। जम्मू के मुख्तलिफ इलाके, खासकर जुगती जम्मू में माइग्रेंट पंडितों के लिए हुकूमत क्वार्टर तैयार की है, लेकिन यह मुहाजिर पंडित आज भी अपने आबाई घरों को जाने को तरजीह दे रहे हैं। जो भी सरकार थी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा कर दिया, चाहे वन रूम बनाए, चाहे कश्मीर में ट्रांजिट कैंप बनाए, चाहे मुठी में ट्रांजिट टू रूम सेट बनाए, चाहे जगती में बनाए, लेकिन हमें इस दुख है इस बीजेपी सरकार का जो 8 साल से हुकूमत में है और वो आज कश्मीरी पंडितों को पूछते भी नहीं है। जिस कश्मीरी पंडित ने पूरे दुनिया में बीजेपी के गुणगान गया था, पूरे हिंदुस्तान में गुणगान गया था कि बीजेपी ही एक वाहिद पार्टी है जो हिंदुओं की रक्षा करती है, लेकिन वो खोखला निकला, वो झूठ साबित हुआ और इस सरकार ने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक वादी के नामेसात हालत के पेशे नज़र उन्हें वादी से हिजरत करनी पड़ी थी। ताहम वादी से निकलने के बाद उन्हें तरह तरह के मुश्किलात से दो चार होना पड़ा था। वही हम बोल रहे हूँ, क्वार्टर बना हमारे लिए, हमारे अपनी फैसिलिटी रहेगी, हम उतरी बैठ और रिलीफ बढ़ा, रिलीफ को हम धरना पर बैठे हो गए 2 साल, रिलीफ नहीं बढ़ाते। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक उन्हें हुकूमतों से सिर्फ वादे और उम्मीदें मिली हैं, लेकिन जमीनी सतह पर उनके लिए वादी छोड़ने के बाद कुछ नहीं किया गया। और हमारे गवर्नर साहब से अपील है कि हम चाहते हैं कि हमारी घर वापसी करे, लेकिन ऐसी घर वापसी नहीं कि आप चाहते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा कि हमारी माता के साथ क्या हुआ दिवसर में, वैसी घर वापसी नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिक्योरिटी, हम उन अपने मुसलमान भाइयों के पास ही वापस जाना चाहते हैं। वो भाइयों की गलती नहीं थी, कुछ लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन सबकी गलती नहीं है। हम घर वापस जाना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही प्राइड से, इज्जत से और विद सिक्योरिटी के साथ। माइग्रेंट पंडितों की मुतअद्दद तंजीमें आज के दिन को काले दिन के तौर पर मनाते हैं। पंडितों के मुताबिक मरकजी हुकूमत उनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। जम्मू से मोहम्मद अशरफ की खास रिपोर्ट।